यहाँ पे देखो तेल की बहुत ज्यादा मात्रा में सामग्री आ गई है, देखो जत्था बना गया है। देखो अभी ये हम घर पे उगाएंगे। हाँ बहुत बड़ा बड़ा है। और मेहंदी लेके आए पूरी गुनी भर के। अच्छा पूरा लिमड़ा लेके आए। हाँ मीठा नहीं कड़वा लिमड़ा, कड़े पत्ता लेके आए, पत्ते और नीम का पत्ते लेके आए। हाँ फिर ये पण कितने बड़े हैं देखो ना। मेहंदी मेहंदी लेके आए, ग्रीन मेहंदी। हाँ मेहंदी का पान डालेंगे और ये एलोवेरा अभी ऐड करने वाले है ना। तो 35 चीजें ऐड हो गई है अभी। देखो सब घर पे क्यारी चालू अभी हो गई है, तो सब बाहर निकाल दो दर्शक। आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। ये है पूरा मेहंदी और मेहंदी का बीज भी लेके आए हैं। पहली बार नहीं डाला था। हाँ। अभी दूसरी बार डाल रही है अभी। और तो अभी ये जो ग्रीन मेहंदी है ना वो खांडनिया में खांड के डालना है, हम डालने वाले हैं। थोड़ा रस निकलता है ना इसमें। हाँ, इसीलिए तो खांडनिया भी लेके आए हैं। ओहो जो हमारा दादा का परदादा का वाड़ी में ढूंढ ढूंढ के निकाला। हाँ हाँ ओटला पे बैठ के नीचे डाला था। ओहो वहीं से लिया। देखो भी आपको दिखाते हैं, बहुत भारी था पूरा पत्थर। उसके पत्थर का होता है ना इसीलिए भारी लगता है। खांडना है को अभी खांड खांड जब तेल हमारा उबलेगा ना तब उसको खांड के डालना है। डालना है ये है पूरी मेहंदी। देखो बहुत ज्यादा मेहंदी है। ग्रीन पत्ती कड़वे लिमड़े है ना। कड़वा लिमड़ा, कड़वा लिमड़ा है। और ये है मीठा लिमड़ा। ओहो मीठा लिमड़ा भी लेके आए साथ में। तो मीठा लिमड़ा भी लेके आए। तो ये औषधीय बहुत ज्यादा काम करती है। हाँ देखो बहुत फायदा करती है। ये कड़वा लिमड़ा है, मीठा लिमड़ा है, मेहंदी है और मेहंदी है। 26 घर पे है। हाँ। कपूर ऐड करने वाले हैं। हाँ। ये ग्रीनरी बाकी और गुलाब। हाँ। तुलसी घर का अभी डाला है ना सब कुछ। हाँ, मेथी दाना डाला है, मेथी। हाँ, मेथी मरी डालना है बहुत अभी। हाँ। आगे बताएंगे नहीं अभी भर दिखाएंगे ना वैसे बताते जाएंगे क्योंकि अभी हम खांडनिया प्रोसेस पूरी। हाँ। देशी पद्धति से हमारा अभी हेयर ऑयल बनेगा। हाँ। और A1 बनेगा। अच्छा देखते हैं चलो। ओके और यहाँ पर ये गुलाब भी भगवान को चढ़ने के बाद हम इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। एक एलोवेरा हमने घर पे भी लगा दिया है तो अभी घर से हमें एलोवेरा मिलता रहेगा और घर के आंगन में जब चाहा जब तेल बनाना हो हम यहाँ से लेकर फ्रेश इसके अंदर डालते जाएंगे। तो घर के आंगन में भी मस्त किंजल डाल दिया। ठीक है अच्छा है ना, हम भी कभी कभी बाल में भी डाल सकते हैं। हाँ इससे शाइन मारता है, शाइन मारते हो, स्किन भी लगा सकते। हाँ ये सारा ग्रीन पत्ते जो भी ऐड करना था वो सारा रेडी कर दिया एलोवेरा के साथ, सब जड़ी बूटी के साथ। और अभी हमारा मेन पुरानी पीढ़ी का खंडनी अभी हम लेके आए हैं ढूंढ के वाड़ी में से। तो वो पता नहीं था उस टाइम पे कि आज वापस हमें काम लगेगा। ठीक है आइए खांडनिया का दर्शन करवाते आपको। तो ये है हमारा खांडनिया और अभी इसको हम धो देते हैं। पापा कितलो जूनो है आपड़ो? आजे हो ओवर है पहला है। तो भाई खांडनिया देखो पहले का था, पता नहीं था उस दिन दादा ने आशीर्वाद दिया होगा कि काम लगेगा आपको। तो इसके अंदर चटनी पहले हल्दी वो सब सारी चीजें इसके अंदर खांडी जाती थी देखो है ना मस्त। तो ये खांडनिया आज के दिन तेल बनाने में काम लगेगा क्योंकि सारा अभी इसके अंदर हम क्रश करेंगे ग्रीनरी जो भी होगी ये पत्थर के अंदर। ये बनाना भी बहुत ही मुश्किल होता है देखो पत्थर के साथ खांडनिया रेडी है। ग्रीन कुवार पाठा लग गया मस्त और ये भी अभी हेयर ऑयल के अंदर ऐड होगा। तो इसका अलग प्रमाण सेट किया है मैंने, उस हिसाब से ये हेयर ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे और पूरा हेयर ऑयल बनाते जाएंगे। तो अभी जो हेयर ऑयल बनेगा ना माइंड ब्लोइंग सुपर से ऊपर हेयर ऑयल आने वाले समय में बनता जाएगा। ये रेडी है खांडनिया भी रेडी है। फ्रेंड्स मैं और किंजल अभी रात के समय 11 बजे है। हाँ। बैठे अभी बस क्योंकि मैं आज पूरा दिन हेयर ऑयल की सारी ग्रीन पत्ती कुवार पाठू बोलते हैं हमारे यहाँ पर बाकी क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ऐसा सब कुछ बोलते हैं और मेहंदी का पत्ते लाए। हाँ। ये सारी चीजें कल आपको देखने को मिल जाएगी। भी बड़ा खाना भी लाए ना। हाँ पूरी देशी पद्धति से अभी जो हम उबालते थे वो ऐसे डाल देते लेकिन अभी उसको क्या खांडनिया में पूरा खांड खांड के पूरा कचुम्बर करेंगे ताकि उसका पूरा रस जो है वो जल्दी घुल मिल जाए और अच्छा उनसे भी अच्छी गुणवत्ता कैसे आए निकल पाए। हाँ वैसा ट्राई करने वाले हैं। तो बस उसी तरह आज का पूरा मेरा दिन रहा
और सुबह सुबह क्या क्या किंजल ने किया वो भी आपने देख लिया। तो आज बस बैठ के बात करने का सोच रहे थे कि किंजल बोले कुछ बातें चित्ते हो। हाँ अभी तो और हाँ। मम्मी तो चले गए, 3 दिन से हम बैठे नहीं थे साथ में, तो हाँ। आज फाइनली साथ में बैठे हैं। वरना ये और मॉम दोनों गप्पे चप्पे लड़ाते थे, मजा आता है, मजा आता है। लेकिन अभी 2 दिन अभी आई थिंक सो 2-3 दिन रखने वाले हैं। हाँ वो 2-3 दिन के बाद तो आएंगे, लेकिन उसके बाद जो और धमाल मचने वाला है शादियों का, शादी की सीजन आएगी वापस। हाँ फिर वो श्रीमंत वाला, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ कहाँ धूम मच रही है, सब साथ में ही जाएंगे। वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे बताएंगे आपको, जो अब तक नहीं देखने को मिला मतलब आप मिस कर रहे हो काफी हमारे ऐसी फैमिली को, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ नहीं आ जाएगा। हाँ तो ऐसा है, तो बस हेयर ऑयल के लिए बाप रे बाप है, बहुत ज्यादा ऑर्डर है। इतना सोचा नहीं था, इतना मतलब ज्यादा। हाँ, अभी बहुत ज्यादा ऐसे मैसेज है जो मैं रात को पहले जवाब भी देता था, लेकिन अभी वो भी थक गया मैं, बहुत इतने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा अभी मेरा ऑफिस का टाइम रख देता हूँ कि भाई सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक ही मैसेज करना है। उसके बाद क्या होता है, मुझे भी थोड़ा शांति से थोड़ा बैठना होता है, माँ आ जाए उसके बाद और धमा चकड़ी मचेगी। पापा भी गए खेत पे क्योंकि वहां पर साठियों निकालने के लिए आते हैं। हाँ, अभी गए 11 बजे। हाँ तो रात को भी गए हैं और वो जल्दी आ जाएंगे। ज्यादातर लोग कमेंट्स किंजल और माँ के बीच में हो रही थी, तो किंजल ने बोला कि हम सबको बताते हैं, बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं, सच्चाई क्या है। तो मैंने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं कहना, क्यों पता है, क्योंकि जो समझते हैं, जो हमारा ब्लॉग तो दिल से देखते हैं, जो सिचुएशंस बहुत ही करीब से जानते हैं, जो इनका स्वभाव माँ का स्वभाव जानते हैं और दोनों किस तरह घुल मिल के काम करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता है कि इन दोनों के बीच में कितनी मस्ती, कितना काम, कितना नोकझोंक बहुत ही प्यार से होता रहता है। लेकिन फिर भी एक को अगर तकलीफ होती है और एक अगर कुछ अच्छा होता है, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो जो जो बीमार है उसके ऊपर दया सागर आ जाता है और दूसरे के ऊपर ब्लेम होता है। तो ऐसे 5-6 लोगों की ऐसी मेंटली ऐसी होती है कि उनको ऐसा लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, हमारे बहन हमारा बहन आते हैं वो काम करने के लिए, लेकिन उसके वहाँ पर शादी है, उसके भाई का मैरिज है ना, तो वहाँ पे गए हैं, इसलिए हमको करना पड़ता है, तो इसीलिए वो कर रहे थे। और उसमें माँ की तबीयत जो है ना, वो हम क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे, किसी का जवाब का क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ ऐसे बता रहे कि माँ की जो तबीयत है ना, वो रात को दही का घोड़ा आता है ना, वो खाने से उनको थोड़ा पेट में गैस का प्रॉब्लम हो गया, खट्टा था ना इसलिए, तो उसको पेट में थोड़ी जलन थी इसलिए, बाकी उनकी वजह से उनका जो पैर था वो सेज से दुख रहा था, बाकी कुछ नहीं था। तो आपने तुरंत जो भी जिसने भी सोचा, तो उनके हिसाब से सोचो भी, आप सोचते हो देखते हो वो सब हमारे घर पे बहुत ही मिठास प्यार से होता है, लेकिन आपका नजरिया कुछ अलग होता है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अपने अपने कर्म से आगे बढ़ते हैं, आप अच्छा देखकर, अच्छा पॉजिटिव अगर सोचकर भी देखते हो, कमेंट्स करते हो, तो वो आपका कर्म है। आप अगर बिना आधा अधूरा देख के कमेंट करते हो तो भी आपका कर्म है। हम समझाना भी चाहते हैं, अगर जो जो पहले से एंड तक हमारा ब्लॉग 2-2-3-3 साल से देखते हैं, उनको सब पता होता है, उनको कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनके हिसाब से हमारा रेडी केडी बहुत ही मस्त होता है, वो दिल से व्लॉग एंजॉय करते हैं, एंड तक मस्ती करते हैं और बस खुशी से सो जाए। तो मेरा हमारे पूरे परिवार का जो व्लॉग देखते हैं, प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। और सब अभी मसाले के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही, तो मसाला 1 मार्च से सारा मसाला रेडी होगा। थोड़ा नाक से सर्दी होगी ना, बोल रहा हूँ, मुंह में अदरक है ना, अदरक हाँ, अदरक चबा रहा हूँ। तो हेयर ऑयल का बाप रे बाप हो रहा है, मस्त हेयर ऑयल का काम चल रहा है, पोख का काम इतना मस्त चल रहा है, काचरी का छाछ का मसाला है, तो इस सब का बुकिंग करवा सकते हो आप। और घी में थोड़ा वेटिंग रहेगा, बस इसी तरह आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, मस्ती करते हुए हैं, आगे बढ़ते हुए हैं, और मैं और किंजल इस तरह यहाँ पर बैठे हैं, बस तो, अभी सोने का टाइम हो चुका है, तो अभी सो जाएंगे। हाँ बस ऐसा है, बाकी कल सुबह यहाँ पर जो खांडड़िया में पहली बार खांडड़िया में जो भी खांड खांड के हर मसाला रेडी करेंगे, वो भी देखने को सुबह करना जरा बहुत अलग ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग टू मॉर्निंग रखे, ठीक है,
आधा दिन ये आधा दिन वो, थोड़ा अलग हो जाता है। तो आज का ब्लॉग हम यही पे ऐड कर देंगे, लेकिन वापस कल जो शुरू करेंगे वो पूरा मॉर्निंग से एंड तक आपको पूरा दिखाएंगे, तो मजा आएगा। तो कल की जो हेयर ऑयल की रेसिपी है, मतलब ये जो भी दिखाऊंगा वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ देशी पद्धति से मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? बस कुछ नहीं कहना, आपने सब बता दिया, अभी मैं क्या बोलूं। अच्छा, तो कोई बात नहीं। बाकी माँ अभी ट्रीटमेंट करके आए हैं, उनके दांतों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आज फोन मम्मी को मैंने किया था, तो मम्मी बोल रहे थे दोपहर में मुझे चक्कर आने लगा था, ये दांत है ना उसमें मतलब साफ कर रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था मम्मी को। अच्छा, तो बोल रहे थे मुझे चक्कर आने लगा था, तो मैं गिरने वाली थी, लेकिन अभी मुक्ता दीदी है ना उसके साथ, अभी पकड़ के अच्छे से रख। और काफी लोगों ने बोला आप यहाँ पर से क्यों ट्रीटमेंट नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ पर उनके वहाँ ट्रीटमेंट के लिए बाहर से सूरत से वगैरह वहाँ पर लोग आते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर जाते हैं ताकि उनके दो दिन तीन दिन पांच दिन थोड़ा आराम और मिलना भी हो जाए, आराम भी हो जाए और ट्रीटमेंट भी हो जाए, इसीलिए सब साथ में हो जाए, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। और उसमें भी उनकी खुशी होती है, मस्ती होती है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, ऐसा नहीं की जाते है। मम्मी तुम आराम करो, मजा नहीं तो ये नो बेसे न्याय शांति से आराम तो करी सके, आया था कि जो किंजल करे थे तो मारे करो। हाँ, तो ये करती है ना, तो वो दौड़ के पीछे आकर करने लगते, करने लगते। तो पहले के लोग ही ऐसे थे, हमारे दादा जो भी पहले के लोग थे वो पूरे दिन काम करना उनकी हॉबी बन गई थी, क्योंकि बचपन उसने इतना काम किया ना कि अभी वो सुकून से नहीं बैठ पाएंगे, एंड तक जितना काम होता रहेगा उतना भी नहीं करते अभी। हाँ, तो भी थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं और करना भी चाहिए। काफी लोग बोले कि रूही से क्यों काम करवा दो, लेकिन अभी से वो थोड़ा थोड़ा करेगी सीखेगी तो बड़ी होके कुछ नहीं। और काफी काफी अपनी बेटी को लाड लड़ाते, बड़ी हो जाए तब तक काम नहीं करवाते, तो उसके बाद ससुराल में उसको प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होता। तो ससुराल में प्रॉब्लम ना हो उससे पहले अभी से उनको थोड़ी ट्रेनिंग दो, तो ये बहुत बड़ी बात है। सौजी भाई धोड़ के ना, उनका बेटा परिवार में कोई अगर जॉब लगती है ना, तो उससे पहले उनको नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीने के लिए भेजते हैं, रोड के ऊपर सब कुछ बेचने के लिए, ये वो सारा बहुत कुछ वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, ताकि पता चले कि हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं वहां पर जो कर्मचारी आते हैं वो कितनी लड़ाइयां लड़ के वहां पर आते हैं। तो चलिए अभी वापस कर देते हैं, चलो ऐड करते हैं वापस, कल मिलेंगे हेयर ऑयल के साथ, हेयर ऑयल के साथ मस्त मिलेंगे और पूरा बनाएंगे और मस्ती करते करके आपको खास दिखाएंगे, ठीक है। सारी तैयारियां हो चुकी है, बस सारा घुल मिल कर रेडी करना बाकी है, तो कल से आपको दिखाएंगे। कल से थोड़ी मेरी तबीयत मस्त हो जाएगी, अभी आज से मेरी भी है। आपकी तबीयत की बात करो, मेरी तबीयत की बात करते नहीं को आज थोड़ा ब्लड मतलब कण 400 कण ज्यादा हो गया था, काउंट बढ़ गया था, तो इनका रिपोर्ट आज किया। मुझे पूरे दिन मतलब वीकनेस बहुत आ गई थी। शरीर है भाई, अप डाउन होता रहता है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा दो तीन दिन में, उसका चेकअप किया, नॉर्मल है वैसे, ठीक है। तो मिलते हैं कल वापस। हाँ, तो यहाँ पे एंड करते हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय बाय, जय स्वामी, जय स्वामीनाथ।